सभी दोस्तों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों आज है मंगलवार और आपके लिए हाजिर है एक नई वीडियो। तो दोस्तों बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, उससे पहले आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको नई नई गार्डनिंग से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो मुर्गा कलगी प्लांट पे है, जिसको कोसकोम भी कहा जाता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, सारी जानकारी आपको प्लांट पे दिखा के आपको देते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं, पहली बार है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। नर्सरी की नई नई वीडियो आपको इस चैनल पे बहुत ही जल्दी मिलती रहेगी। तो चलते हैं अपने प्लांट की तरफ। तो दोस्तों खूबसूरत प्लांट हमारा आपके सामने है, जिसे दोस्तों मुर्गा कलगी के नाम से भी नर्सरी पे जाना जाता है। इस प्लांट का नाम इसलिए पड़ा है, मुर्गे के सर पे जो कलगी होती है उसी तरह का इसका फूल होता है। दोस्तों इसका फूल बहुत ही मुलायम होता है, जैसे वेलवेट का कपड़ा होता है उसी तरह से लगता है फूल। दोस्तों इसके फूल कई कलरों में आते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पे ये जो प्लांट है मेहरून कलर का है। और दोस्तों इस प्लांट को सही समय इसका लगाने का बरसात होता है। मैंने जुलाई में इस प्लांट को सीड से ग्रो किया था, जो कि आज नवंबर की 3 तारीख है और मेरा प्लांट आप देख सकते हैं इस पर कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। इसकी फ्लावरिंग मार्च तक ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अपने प्लांट को फुल दिन की सनलाइट देनी है। आपका प्लांट जितनी ही अच्छी सनलाइट इसको मिलेगी, उतने ही अच्छे से ये फ्लावरिंग करेगा। इसमें कोई ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे जब आप का प्लांट सीड से ग्रो हो जाता है, 5-6 इंच हाइट हो जाती, तब आप इसको केचुआ खाद दे सकते हैं, वो इसके लिए बहुत ही अच्छी रहती है। फिर आप हर महीने इसमें केचुए खाद लिक्विड देते रहिए, आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। दोस्तों दूसरी इसकी एक ख़ास बात और रखनी है कि आप इस प्लांट को जब भी लगा रहे हैं तो आप इसको किसी बड़े गमले में लगाएं, क्योंकि दोस्तों ये प्लांट है बहुत ही ज़्यादा इसकी जड़ें जो है फैलती हैं। तो आप इस प्लांट को जब भी लगाएं तो ऐसी सोयल में लगाएं जिसकी मिट्टी जो है कि आप रेत डाल के उसको सॉफ्ट कर लें, ताकि आपका प्लांट जब भी इसकी जड़ें प्लांट से ग्रो हो रही हैं तो वो अच्छे से फैल सके। और गमले में आप 4 प्लांट लगाएं, 4 से 5 प्लांट भी आप लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, जैसा आपका गमले का साइज, पर आप 1 प्लांट ना लगाएं, क्योंकि तेज़ हवा के चलने के कारण हमारा प्लांट एक तरफ बेंड होके डैमेज हो सकता है। इसलिए आप 3-4 प्लांट लगाते हैं तो ये हवा बहुत चलती है तो उसमें आपका प्लांट डैमेज नहीं होगा। अगर आप 1 प्लांट लगाना चाहते हैं, छोटा गमला है आप का, तो आप इसमें एक स्टिक लगा दें जिससे हमारे प्लांट को सहारा मिल सके और हवे में डैमेज ना हो। दोस्तों इसकी लीफ जो है बहुत रेड कलर की रहती है, बीच में शेड रेड कलर का आता है, और देख सकते हैं इसका जो फ्लावर का साइज है वो दिन पर दिन बढ़ते ही जाता है। और इसके जो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके सीड बनेंगे, तो आपका जब फ्लावर जब कंप्लीट खिल जाता है तो इसके सीड बनने शुरू हो जाते हैं, तो आप इनको रख सकते हैं। अगर आप नहीं भी इनको इकट्ठा करके सीड को रखते हैं तो भी ये सीड ऐसे ही गिर जाते हैं और फिर बरसात के सीज़न पे आके दोबारा से ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत प्लांट है। तो आप इस प्लांट को ज़रूर लगाइए। अभी आपको नर्सरी पे ये प्लांट 20 रुपये प्लांट आपको मिल जाएगा। अगर आप बड़े साइज़ का प्लांट लेंगे तो आपको ये नर्सरी पे 50 रुपये मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, या आपके आसपास किसी ने प्लांट लगा रखा हो तो आप उसके फ्लावर एक तोड़ लीजिए। वो फ्लावर आप तोड़ें जो अपना साइकिल पूरा कर चुका हो, इसलिए उसमें सीड बन जाएंगे। तो आप वो फ्लावर लेकर आइए, उसमें से छोटे छोटे सीड रहेंगे, उन सीडों को गमले में डाल के ग्रो कर सकते हैं। अभी इसका समय है, आप अभी इसको ग्रो कर सकते हैं। आगे जब दिसंबर का टाइम आएगा तब इसका ग्रोइंग समय नहीं रहेगा, इसलिए अगर आप अभी इसको ग्रो कर सकते हैं तो कर लीजिए, और ये मार्च में आपको बहुत अच्छे से फ्लावरिंग देगा। तो दोस्तों मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।